देखिए गोटे मर्डर केस होगले भी पुलिस सांगे सांगे जी अरेस्ट कर पलि आस देखिए कौन गो माफिया जब गो चलाण करुँचर पुलिस एडे सुंदर मजार ट्रिक रे पैसा नौकर एटे ट्रिक खेल कौन गो माफिया जी अच्छा आगे पचरा आज्ञा आपड़ कौन चाहती ना सीए मोठार ये छिंताई 395 394 396 ये टोटा 397 पर्यटन लग जो दफार कि जो मैंने गो रक्षक अच्छा सहजरे बेल मिल ना सुभाषी षडंगी घर केन्द्रापड़ा आली आज्ञा बहुत थर आप गोमांस कि गो बोझ ट्रक को अटक बहुत हरड़घणारे एवं असुविधा मध्य पड़ी जेल भी जाए जेल भी जाए प्रसंग में आपण एक्सपीरियंस जब आप समाजसेवी हिसाब से समाज में परिचित होपर कौन एक्सपीरियंस अच्छी दयाकोरी देखो एक्सपीरियंस हो मूलतः जो आम एनिमल एक्ट अच्छी विधिवध भाव में ओडिशा लागू कराऊना जेतेबेले कि एटी संपूर्ण भाव में गो माफिया मानू सरकारी स्तर में पुलिस मैंने सहयोग करे उदाहरण मुझे देखी जेतेबेले मते गो माफिया मैंने आक्रमण कले गाड़ी सेठी थुआ है गाड़ी लाइव भी थिला गाड़ी नंबर पड़ुची गाड़ी जीवार 45 मिनिट पर मात्र थाना पाखु 500 मीटर दूर रोच घटना 45 मिनिट पर पुलिस आसी पहुँचुची ता मैंने से पुलिस चाहूला से गाड़ी पलिगला आस मत उद्धार कर तेनालीरकार गोटे कौन सी गोटे अदृश्य शक्ति आप देखिए अनेक जगह टोलगेट भांगिकी पलि जा आठ गोटे पुलिस वालों को बाड़े अन्न्य जगार जेकोसी जगार देखिए सेठी पुलिस पचारूँ तो आप देखिए गोटे मर्डर केस होगले भी पुलिस सांगे सांगे जी अरेस्ट कर पलि आस देखिए कौन गो माफिया जब गो चलाण करुँचर पुलिस एडे सुंदर मजार ट्रिक रे पैसा नौकर एटे ट्रिक खेल कौन गो माफिया जी अच्छा आगे पचरा आज्ञा आपड़ कौन चाहती ना सीए मोठार ये छिंताई 395 394 396 ये टोटा 397 पर्यटन लग जो दफार कि जो मैंने गो रक्षक अच्छा सहजरे बेल मिल ना से कौन हुए आप देखिए जितेबाला गोटे गो रक्षक मुझे जो केस खाइली से 294 लगला कहीं आम छिंताई कराक जाइ तेनाली प्रशासनिक भाव में कौटि ना कौटि गो माफिया मान संपूर्ण भाव में सहयोग प्रशासनिक भाव में जब ये एनिमल एक्ट जदि ये विधिवत भाव में लागू हो जिनस निश्चित भाव में मानने अलग किसी पर हम आपड़ कहते प्रशासन सपोर्ट करश्चय निश्चय जिते मनमोहन सिंह सरकार से गुजरात में माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कही भारत तीन नंबर रे अच्छी बीबी एक्सपोर्ट निश्चय निश्चय एवं सेटा को आमे विरोध करते पावर को आसिले नरेन्द्र मोदी 2014 रु 2016 मसीहा पर्यंत भारत बीफ एक्सपोर्ट रे एक नंबर को आसिले निश्चय निश्चय एवं वर्तमान दुई नंबर रे अच्छी बीबी एक्सपोर्ट जेतेबेले ऊपर लेवल लो लोक बीजेपी रो सरकार जे कि गो रक्षा करबा को आसीकरी निजे गो सप्लाई करके दुई नंबर को भारत को नहीं गला जेपले माने 53टा इस्लामिक कंट्री माने विश्व रे थाईते भारत भली गोटे हिंदू बहुल राष्ट्र दुई नंबर रे पहुंची जाऊँगी कि से क्षेत्र में आप आंचलिक स्तर रे जो गो माफिया को टार्गेट करी बा गो माफिया को गो ट्रक को जो आप रोक जो प्रकार असुविधा पड़ुं ये प्रसंग में मोदी सरकार को आप उत्तर कौन नहीं मोदी सरकार को नुहे टोटाल मोदी सरकार जी एमपी अच्छा साधारण स्तर में जी भी एमपी जाऊँगी समस्त यहाँ केवल मोदी सरकार दायित्व नुह मोदी सरकार जेहेतु अच्छा जे भी सहयोगी अच्छा भी जदि आम गोमाता माता मानुं जोटा आप कहे रप्तानी कथा जोटा जामर चलाण हो सरकारी स्तर में जाऊँच तार विधि व्यवस्था कौन अच्छी से चेज कर आवश्यकता रही द्वितीयत कहूँ जो 27,000 वार्षिक कोटी टाँग इनकम हो तार चारिगुणा इनकम हम मुझम मोदी सरकार को भी जनईद केमी हम आप जानते मिडिल ईस्ट जो कंट्री गुड़ाक रहा दुबई आबुधाबी कुवैत कतार आपणकर साउदी जतक कंट्री रहा परिसीमा के स्थिर नुह आमर जमी आम गोटे परिसीमा अच्छी आम एलओसी अच्छी से परिसीमा स्थिर नुह कहीं नुह ना समुद्र पाटा स्थिर अच्छी से पुति 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 चलती तो आमको जो आम गोमाता पाई मोदी सरकार को गोटे ये गोटे रिक्वेस्ट रोकर जी एमपी अच्छा आम ओडार एमपी मानक ये विषय टी कह बाध्य करी अनुरोध करी जे सबुठू गोरु गोमाता जो गोबर अच्छी ताथा बहुत शीघ्र मटी में मिशि जाए तेणु जोटा कि आम मटी या सूक्ष्म उपाय सहज उपाय सरल उपाय हूँ गोमाता गोबर तो आम जो बिकिदेले से पलिगला कितना तो मटर आवश्यकता पड़ो आप केवल गोबर रू हिं पाइबे अलग जिनस पारे ना ये सहजे आ शीघ्र तेणु जो संख्यार जनसंख्या आम भारत में वृद्धि होती जहाँकि 140 कोटी ऊपर को पलिगला
तेणु जदि आकु आमे जदि देखिबा कोउ पटरे आमर सामुद्रिक स्थिति स्थिर अछि आमे सेठी गोमाता गोबर रे माटी करिकि से जगह को पोती पोती अलग लोकों पाई बध्य सेठी आमे जगह करि पारिबा एटा गोटे आपन को आपन जो 27000 कोटी टका खाली बिकि देले आमे पाई जिबा जिमिति आमर खणी अछि खणी कि बिकि देले आमे पाई गेले मु कहू छी गो मानसो मु कहू छी सुनंतु मु निश्चित मोदी सरकार आय करचोंदी एटा जे भी अछंती समस्त करचोंदी मोदी सरकार करचोंदी आगु मनमोहन सरकार भी करथले किंतु आ विषय के आलोचना करनांती मनमोहन सिंह पूर्वरु 3 नंबर थिला निश्चित नाही से 1 नंबर छाडी से संपूर्ण जदी भारत भी देई दबो तातरे किछ असुविधा नाही किंतु चेंज करिवार अछि जोटा चेंज करिवार आवश्यकता अछि मु सेही विषय कहू छी से मोदी होंतु बा आपनकर मनमोहन सिंह किए होंतु ए विषय मु कहिबार अर्थ तांको मुंडरे जिंस आसीबार अछि जेमिति हमर खणी अछि आमे खणी कि डायरेक्ट सीधा बिकि दउछन कंचा माल करिकि काई आमे त मैन्युफैक्चरिंग करै हमर लाभ हो नै कि नै तेणु एठी जो गो मातांकर जिंस रहउछि जो गोबर हला गोबर माटी करिकि आमे जदि मु बे विषय गोटे लेखिथिलि लेखा मोर गोटे पेपर रे भी आसथिला तो एठी माटी आमे प्रस्तुत करि परबे तेणु ये जो 27000 कोटी टंकाटा आमे खाली वार्षिक रे बिक्री करि पाइ दउछु त आमे त ताकु व्यवहार करिकि पाइबा सेठी 27000 कोटी न सेठी आउरी हजार हजार लक्ष लक्ष कोटी टंका तादर आदाय करा जाई पारिबो एटा भी मोदी सरकार पाकर मोर गोटे दाबी रहिबो साधारण जनता हिसाब गो मांस को बंद करने को स्लॉटर हाउस बंद करने को आसी मोदी सरकार योगी सरकार नुआ यूपी रे 16 नुआ कंसईखाना को लाइसेंस प्राप्त कंसईखाना को स्वीकृति देपर आप उत्तर कौन रही देखु जितेबाला भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आपंट तो सेटा जे सबू धर्म को सम्मान देवार आवश्यकता अच्छे से मोदी सरकार आसती बोली से कौन गोटे जगार अलग से ब्रह्मांड रू गली पड़ना उपरू गली पड़ना बुझी आपंट निश्चित भाव में कौटिना कौटि से विषय में काम चली नुआ खोली कहीं खोल आप लोक संख्या बढ़ुत सी लोक दाबी करते आप कौन करेंगे मानने आक्रोशमूलक हूँ गोटे उद्देश्यमूलक भाव कौन कई के आसबनी नवीन पट्टनायक आसते मुझे सब खणी गुड़ाक बिकिदे तो बिकुचान ना तो लोक बारंबार दौंती ना बास तेणु लोक चिंता करार अच्छे तो आम साधारण लोक हिसाब से कहूँ ना लोकं चिंता करार अच्छे जदि आपदे मुझे ये कौन गोटे कथा कि तेणु लोक आवश्यकता कौन अच्छी से हिसाब से सरकार कम करते तेणु लोक भल लगे ओडिशार चोरी हो चोरी होती तो जो लोक आवश्यकता अच्छे सोलटा नुआ या मो मत हवा कथा नुह मुझे कहूँ टोटाल हमने मत दिखाई गोमाता विषय जब कौन बाबद मत दिज्व मुझ सुंदर भाव में गोटे स्वतंत्र मानने बहुत सुंदर जगह यापर किसी असुविधा ना आप जो जन आंदोलन नेतृत्व नहीं नेतृत्व बल तार कि प्रभाव समाज उपर पड़ी कि ना देखु मु 2021 मसीह प्रथम जेल जाइ परठारु बहुत गुड़े जगार गोरु गाड़ी धरा जाऊँ आप आज भी देखुंत तेणु जोटा जदि भी आपड़ कौन लिगल इलिगल दुटा जिनस अच्छी जदि आप कौन किए खोलुं जदि आप लिगली करेंगे से किसी असुविधा ना कि इलिगली करण लोक हईराण करी गोटे निर्दिष्ट गोष्ठी को सहयोग करेंगे तेणु एथेर निश्चित भाव में मोर कौन साधारण जे भी मो भाया आम भाया जे भी अच्छा निश्चित उत्त्यक्त हो आगामी दिन में आईन को हाथ मुठा ना बाध्य है लाइसेंस प्राप्त गोचालाण को आपच्छे ना 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 लाइसेंस प्राप्त ना लाइसेंस प्राप्त जो कानून अनुसार जीक अच्छे आप गोटे गाड़ी तार गोटे नियम अच्छी 22 वर्ग ना कौन गोटे गोटे नियम अच्छी तादे आप तीनोटी गोरु नहीं पारे आपण को नियम कौन आप 10 पूरे ने गोरु तो जीवन अच्छी ना तो लाइसेंस तो मुझे या करनी आपको यहाँ कहे फिर आप आंबेदकर पर मुझ प्रश्न उठे आप पलिए हाँ निश्चित बंद हवा दरकार कहीं बिक्री मुझे आपको कहली ना जे जदि भारत में गो मांस बिक्री न कर गो वंश को वृद्धि कराद्वारा स्वतंत्र सरल उपाय कौन वैज्ञानिक भी सेठी फेल अच्छा गोबर रु बहुत शीघ्र आउ सुंदर भाव में मटी बाहरी पार तेणु से मटिक व्यवहार करके आम घर द्वार या समुद्र पोतिक भी जापर ना कानून पर कानून अच्छी ना आपणकर ल कानून अच्छी निश्चित भाव मो पावर आसे मुझे कानून 100% उठेबी हाँ ना आंदोलन आम चलते यहीटा जो आप टोटाल बंद करूँ आप बंद करेंगे से किए कौन कहीकि पड़ेगा पड़ेगा मुझे बीजेपी पता कौद पकईनि जो दिन बीजेपी पता पकईबी मुझ निश्चय कथ उठे आप दलय हिसाब से कौन आप दल हिसाब से मतलब पचार भाव निश्चित ना साधारण लोक हिसाब से गो हत्या संपूर्ण बंद हबार आवश्यकता अच्छी गो वंश को लेकर आम जमी कि उपकृत हो पार लोकों काम लगिपर बहुत गुड़िया लगे आप देखते हैं आगु आज ना 50 वर्ष पूर्व गोटे बाघर है सांगे सांगे गोटे झील सागर जौतुक हिसाब से गोटे गाई दि जाए कहीं दि जाए ना इनकेस जब तार किसी प्रोब्लेम है से गाईर क्षीर बिकिकी से पर चल पार छुआटा खाई पार गोबर में घसी कर
ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋମାତାର ଗୋଟେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋକୁ ଆମେ ମାତା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ଖାଣିକି କାଟି ଖାଇବା କୌଣସି ମତରେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି ନାହିଁ କି ସମର୍ଥନ କରିବି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାନୁନକୁ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ଆମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲୁ ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସେ ଛାଡ଼ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଗୋରୁ ଜବତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଅଛି ଅଛି ଗୋଶାଳା ଅଛି ଯଦି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା କୁହାଯିବ, ଯଦି ଆପଣ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ପାର୍କ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର ସେଠି 50 ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗୋଶାଳା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗୋଶାଳାରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ତାକୁ ବି ସେତିକି ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମିଳୁନି, ସିଏ କେଉଁଠି ମାଗି ଯାଚିକି ଆଣୁଛି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ବାଉଁଶ ପକାଇକି ପାଲ ପକାଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ସେ ବାଉଁଶ ପାଲ ଫାଟି ଦେଉଛି। ସରକାର ସେ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ଆପଣ ଖାଲି ଗୋରୁ ପଳେଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି କିଛି ଲୋକ ବି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଗୋରୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ କ'ଣ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତମେ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ, କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବେନି? ତମେ ଗୋଚର ଜମି କାହିଁ ସବୁ ନେଇ ସାରିକି ତାକୁ ସେଠି ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ କରିସାରିଲେଣି, ଗୋଚର ଜମି ଆଉ ଅଛି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ମୁଁ ନିଜର କଥା କହୁଛି, ଆମ ଗାଈ ଖଟା ହେଉଥିଲା, ଆଜି ଗାଈ ଖଟେଇବା କ'ଣ? ଗାଈ ଯଦି ରଖିଛ ଘରେ ବାନ୍ଧ, ଆଉ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନା ପଦାକୁ କେଉଁଠି? ତେଣୁ ଗୋଚର ସବୁ ଖାଇଗଲେ, ଗୋଚରକୁ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୁଟ୍ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋମାତାଙ୍କର ବିଷୟ ଆସୁଛି, ଇଏ ପରିଧିଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନଜର ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ଗୋଶାଳା ପାଇଁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗୋ ମାନେ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନାରେ ଲୋକ ପଇସା ନେଇକି ସେଠି ଏସି ଲଗାଇ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଉଛି କିଏ? ସେ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଜିନିଷ ଏଇଟା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ହେଇପାରିବ ଆମେ ତାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ସମୟ ସରକାର ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ, କାହିଁ କରିପାରିବେନି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ଜାଗା ନାହିଁ? ଆପଣ ଏଇ ମହାନଦୀ ପଠାରେ କ'ଣ ଗୋରୁ ରହୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ମାନେ ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର ରହୁଛି ଗୋ ମାଂସ ସପ୍ଲାଇ କରିବାରେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭାରତର ଗୋମାତାଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନଟା କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି। ଆଜି 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, କାଲି 1 ନମ୍ବରରେ ରହିବ, କାଲି ଆଉ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋବଂଶ ସରିଯିବ। ଆଜି ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଗୋମାତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉଁସିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା 5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ 1 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସୁ କି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସୁ, ଯିଏ ବି ଆସୁ, ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। ସେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଭାଇ ଜିନିଷ ନଥିଲେ ତମେ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବନି। ମୋର ବାଳଟା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଲଣ୍ଡାଟା ହେଇଛି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡଟାରେ ପାନିଆ କେଉଁଠୁ କୁଣ୍ଡେଇବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଅଛି ନା, ତ ବାଳ ବଢ଼ିବ, ତାକୁ ତେଲ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ଆପଣ ସେଟାକୁ କାହିଁକି ମୂଳରୁ ହଟାନ୍ତୁ ନା, ମୂଳରୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଗୋମାତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିକ୍ରି ନ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।